यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तत्वावधान में सभी बैंकों के कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान जनपद के सभी बैंक कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण को रोकने की मांग को लेकर बैंक रोड स्थित SBI के मुख्य शाखा पर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में कॉरपोरेट सेंटर के AGS SP त्रिपाठी ने बताया कि यह हड़ताल बैंकों के निजीकरण पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, निजीकरण पर रोक लगाने के लिए सरकार से बात की जा रही है तथा देश के 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि बैंकों के निजीकरण के फैसले पर सरकार तत्काल रोक लगाए तथा यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो यह हड़ताल संगठन के निर्देश पर बढ़ाया जा सकता है। इस अवसर पर राहुल गुप्ता, संतोष यादव, सुशील पांडे, राजेश पांडे सहित हजारों बैंकर भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉरपोरेट सेंटर के AGS SP त्रिपाठी ने कहा, हमारा नाम SP त्रिपाठी में AGS लखनऊ सर्किल कॉरपोरेट सेंटर से गोरखपुर अंचल। आपका बैंकों की स्ट्राइक निजीकरण के विरोध में जो है किया जा रहा है, कल भी स्ट्राइक था और आज भी स्ट्राइक था। स्ट्राइक का मूलतः कारण कि सरकार से वार्ता चल रही है हमारी निजीकरण के विरोध में, लेकिन ये वार्ता जो है सफल नहीं हो पा रही है। सरकार की हठधर्मिता रवैया के कारण जो है सरकार अडिग है कि हम निजीकरण के बैंकों का करेंगे। हम बैंकर कर्मी सभी चाहते हैं कि हमारा धन सुरक्षित रहे। जनता का पैसा बैंक में जमा है जो लूट जाएगा, देश टूट जाएगा। रीढ़ की हड्डी बैंक होती है। हमारे संस्थान को जिस दिन निजीकरण कर दिया गया उस दिन जो है जनता का पैसा, किसान का पैसा डूब जाएगा और प्राइवेटाइजेशन बैंक को हम लोग करने नहीं देंगे किसी भी हालत में।